नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोशिशों का फल यह रहा कि विपक्षी दलों का कुनबा एक कमरे में बैठने लगा। चर्चा यह है कि इस गठबंधन का लोगो भी बनेगा। अब तक हुई दो बैठक में गठबंधन बनाने और उसमें नए दल जोड़ने और नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इस गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार की बात सुनने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। इसके बावजूद 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार मुंबई पहुंच चुके हैं। दरअसल नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि गठबंधन में शामिल दलों को सीट बंटवारे पर बात फाइनल कर लेनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा इस बात पर कोई और राजी नहीं हो रहा है। गठबंधन के दल सीट बंटवारे की प्रक्रिया को अभी रोके हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार गठबंधन की रणनीति के हर सवाल के जवाब में यही कह रहे हैं कि उनकी इच्छा है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। INDIA में शामिल दलों की स्थिति ऐसी है कि उनके पास एक चीज अस्पष्ट है, यह अस्पष्टता अभी तक भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर है, लेकिन कैसे लड़ेंगे यह अस्पष्ट अब तक नहीं है। दरअसल आने वाले लोकसभा चुनाव में INDIA की गति पर कांग्रेस का महत्व सबसे अधिक होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार कई राज्यों तक फैला हुआ है, लेकिन भाजपा के सामने पिछले दो चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खास अच्छी नहीं रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, इसके बाद कांग्रेस के तेवर में कॉन्फिडेंस आ गया है। अब INDIA में शामिल दल छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अगर इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अधिक सीटों के लिए दबाव बनाएगी, लेकिन कांग्रेस कमजोर पड़ी तो पश्चिम बंगाल में TMC, महाराष्ट्र में शरद पवार उद्धव ठाकरे और पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में राजद और जदयू, यूपी में समाजवादी पार्टी अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना सकती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।